5 ईयर्स से कैंस के लिए स्टार्ट किया था एंड वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हस्बैंड का एक ऑफिशियल ट्रिप है, सो ही इज़ गोइंग आउट फॉर सम डेज, सो ही अब ही आर कैच एंड मी। इट्स द आफ्टरनून टाइम एंड क्लोथ्स बाहर ड्राई हो गए, तो मैंने सोचा पहले क्लोथ्स उतार लिया जाए, बाकी काम बाद में करूँगी। एंड कैच अभी नानी हाउस है, उसके हॉलीडेज चल रहे थे, तो बट आज बाय द इवनिंग और नाइट ही विल कम बैक बिकॉज टुमारो से उसके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। होल डे की मेजर वर्क तो मैं प्री प्लान करके रखती हूँ, ऑलरेडी लिस्टेड रहते हैं मेरे काम, बट उनको किस टाइम पे करना है ये मेरा कोई फिक्स नहीं होता। जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं वो काम करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने क्लोथ्स अंदर रख दिए थे, आयरनिंग वाले क्लोथ्स मैं इस कबर्ड में डाल के रख रही हूँ, बाकी मैंने फोल्ड करके सबके अलग अलग सेक्शंस में रख दिए हैं। तो इट्स डन नाउ और मैं आ गई हूँ किचन में अपना खाना गर्म करने के लिए। एक्चुअली बहुत तेज़ भूख लग रही है अभी, तो पहले लंच करूँगी फिर बाकी काम बाद में करूँगी। यू नो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उसके साथ साथ घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे एवरीडे क्लीनिंग होती रहती है एंड बीच बीच में वीकली भी एक अच्छे से क्लीनिंग होती है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डीप क्लीन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि फेस्टिव सीज़न के साथ आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। तो आज भी मैं कुछ अपना क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने अपना लंच ले लिया है, थोड़े से राइस ले लिए, दाल रायता और एक रोटी ले लिए। सो आज की हंस नहीं है, तो फाइनली मुझे भी टीवी देखने का मौका मिल गया है। यूजुअली मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बट जब तक लंच कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं भी आज थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। तो हियर इज़ माई टाइम। रेगुलर बेसिस वाले काम भी अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो आप बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं अपने बाकी कामों के लिए या कुछ भी जो भी आप करना पसंद करते हैं। कैश के स्कूल जाने के बाद मेरा मॉर्निंग आवर्स का टाइम तो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग वगैरह में चला जाता है, उसके बाद कैश का आफ्टरनून टाइम हो जाता है एंड देन लेटर ऑन मैं अपने काम डिसाइड करती हूँ हाउ टू डू दैट। सो लंच करने के बाद आई एम बैक टू वर्क। दिस इज़ अ शू रैक, सो आई थॉट कि इसे क्लीन कर लिया जाए, बहुत दिनों से बहुत मेसी हो रखा है। शू सैंडल्स ऐसी चीज़ होती है जिसे आप रोज़ निकालते हैं रखते हैं बार बार, तो फॉर ऑब्वियस शू रैक जल्दी मेसी हो जाता है, तो आज मैं इसे ही क्लीन करने वाली हूँ। तो पहले सारे शूज़ सैंडल्स ये सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे, इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के शूज़ और सैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो यही सब पहले मैं बाहर निकाल के इसको क्लीन करूँगी और फिर बाकी वापस रखूँगी। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें पहले एक एक करके निकाल रही हूँ। मुझे ये शू रैक सिर्फ क्लीन नहीं करना है, इसको डीक्लटर भी करना है। इसमें कुछ शूज़ या सैंडल्स जो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं से मैं निकाल दूंगी। मैंने सारे शूज़ और सैंडल्स वगैरह सब बाहर निकाल दिए हैं, आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे शूज़ वगैरह हैं यहाँ पर और इतना मैस हो गया है, अब इसे क्लीन करना है। सो फटाफट से पहले मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। सारे शूज़ वगैरह मैं एक साथ चेक कर रही हूँ कि कौन कौन से सैंडल्स या कौन कौन से फुटवेयर हैं जो रखने के लिए हैं, कौन से नहीं रखने वाले, और साथ साथ मैं इनको मैं क्लीन भी करती जा रही हूँ, सो दैट मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। एंड यू नो थोड़ा सा भी काम अगर पिक करो एक सेक्शन भी, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो दैट्स वाई आई पिक्ड अप दिस वर्क फॉर टुडे। सो हियर आई एम सेग्रीगेटिंग ऑल द फुटवेयर्स, जो भी मुझे रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, तो हियर लाइक दिस। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें पहले सेपरेट कर लूँगी, देन आई एम गोना चेक इट आउट। कुछ शूज़ एंड कुछ सैंडल्स ऐसे हैं जिनको मैं बॉक्स में ही रहने दूंगी। ऑलमोस्ट मैंने सारे बॉक्सेस पहले ही थ्रो कर दिए हैं क्योंकि बॉक्सेस काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, और यहाँ मैंने अरेंज करके रख दिए हैं सारे शूज़ सैंडल्स और हर तरह के फुटवेयर्स जो भी हैं। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के पैर अप लगा दिए हैं सारे शूज़ वगैरह के, तो ये सारे उनके शूज़ वगैरह हैं, और यहाँ मेरे सैंडल्स और मेरे सारे फुटवेयर्स हैं, और इनको मैं अरेंज करूँगी वापस शू रैक में। तो अरेंज करने से पहले सबसे पहले क्लीन करना ज़रूरी है, तो यहाँ मैं अच्छे से एक क्लॉथ को थोड़ा सा मैंने वेट कर लिया और इससे मैं पूरा क्लीन कर लिया है शू रैक को। नाउ आई एम पुटिंग बैक ऑल द शूज़ एज पर द कैटेगरीज, कौन से डेली पहनने वाले हैं, कौन से कभी कभी पहनने वाले हैं, लाइक वाइज। तो इस तरह से मैं सारे शूज़ और सारे सैंडल्स को इसमें अरेंज कर दूँगी एंड इट विल बी डन। सो हियर इट्स डन, मैंने यहाँ पर सारे शूज़ लगा दिए, आपको दिख रहे होंगे मैंने आराम से अच्छे तरीके से लगा दिए सारे, और अब जब भी नेक्स्ट टाइम निकालने होंगे इट्स नाउ इट्स क्लीन एंड सेटल्ड वेल। सो हियर इट इज़। क्लीन होके हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो एक शू रैक की क्यों ना हो। तो जब भी हम घर का कोई भी कॉर्नर क्लीन करते हैं तो इट्स रियली वेरी सैटिस्फाइंग। ये मैंने कुछ पेयर्स निकाल दिए जो यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं, और इसमें एक मेरे हस्बैंड का शूज़ का पेयर भी है, तो आज का ये काम तो पूरा डन हो गया है। और इसके बाद मैंने शाम की अपनी चाय ले ली, इट्स द इवनिंग नाउ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैच को कौन सा मिल्क में पाउडर डाल के देती हूँ। तो ये है ड्यूना हॉलिक्स, ये क्लिनिकली टेस्टेड है फॉर किड्स ग्रोथ एंड देयर
इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी सिस्टम। सो आपको यही यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये है जूनाहॉलिक्स, चॉकलेट फ्लेवर में है ये, और आप कोई भी फ्लेवर इसमें ले सकते हैं, इसमें और फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। कैंश लाइक्स चॉकलेट फ्लेवर, दैट्स वाई आई कीप दिस। एंड इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं एज़ पर अदर प्रोडक्ट्स। वेन एवर यू आर चूजिंग एनी प्रोडक्ट फॉर योर किड, स्पेशली उनके कुछ खाने के लिए, तो हमेशा आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल कितनी उनकी मार्किंग्स दी हुई है उसको चेक करके लें। सो हियर आई टेक दिस। इसमें आपको वाइटामिन्स मिल जाएंगे, वाइटामिन B12 है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन के है, एंड और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, एक सपोर्ट सिस्टम का वर्क करता है। जब आप मिल्क में इसको डिजोल्व करके देते हैं तो उनके कैल्शियम की बाइंडिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह की बहुत सारी आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिल जाएंगी, पैक के पीछे सारी लिस्टेड होती हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पैक, ये आपको 500 ग्राम के पैक में मिल जाएगा। इसमें मैं तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का पैक भी आता है, एंड ये टेट्रा पैक्स हैं, ये भी मैं आपको मिल जाएंगे, एंड दूसरा है इस तरह का बॉटल वाला, तो इस तरह से भी आपको मिल जाता है। ये सब 500 ग्राम्स की कैपेसिटी के, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको इसी में रखना है तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं, इसको जस्ट ओपन करके आपको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फिल करने के लिए लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट। तो तीन तरह से आपको मिल जाता है मार्केट में, आप सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हर चीज़ इसमें पढ़ सकते हैं, एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर 2+ ईयर्स। जो भी आप, अगर आपके बच्चे 2+ ईयर्स के हैं तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3.5 ईयर्स से कैश के लिए स्टार्ट किया था, एंड सो एज के हिसाब से आपके बच्चे को क्या चीज़ ज़्यादा रिक्वायर्ड है, एनर्जी तो चाहिए ही होती है बच्चों को, लेकिन शुगर लेवल्स थोड़े से हमें डाउन करने पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ये प्रोटीन पाउडर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हियर आई एम यूजिंग दिस, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं इसके रिव्यूज़ के साथ आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। सो ये आपको एनर्जी भी देता है, बच्चों को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी गिविंग भी है। इसमें रिकमेंडेड फ्लेवर्स और कलर्स हैं, इसलिए ये सेफ है किड्स के लिए, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप इसे दे सकते हैं। एंड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कोई भी चीज़ कैंश को देने से पहले हमेशा उसके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही उस कोई भी स्टार्ट करती हूँ, कोई भी फूड प्रोडक्ट स्टार्ट करती हूँ, तो आप भी ये ज़रूर करना। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम शोइंग द प्रोडक्ट एज पर माई एक्सपीरियंस ओनली। आप इसे यूज़ करने का भी बहुत ही सिंपल वे, जैसे आप कोई भी प्रोटीन पाउडर या कोई भी फूड सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट द फूड सप्लीमेंट, लेट मी क्लियर, एंड दिस इज़ जस्ट अ मिल्क प्रोटीन पाउडर जो आप बच्चे को मिल्क में डिजोल्व करके देते हैं। इसके लिए आप कोल्ड मिल्क या हॉट मिल्क कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपके बच्चे को प्रेफर हो। उसमें आप एक कप मिल्क में आप इसको एक पूरा हीपफुल स्पून डाल के डिजोल्व करके दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत यम है और बहुत ही लाइट स्वीटेंड है, और जैसे मैं कैंश के लिए शुगर ऐड नहीं करती हूँ मिल्क में कभी भी, तो दिस इज़ वेरी लाइट स्वीटेंड, तो इसे आप नेचुरली ऐसे ही दे सकते हैं जस्ट मिल्क में डिजोल्व करके। सो दिस इज़ अ गुड पाउडर यू कैन डिजोल्व इन द मिल्क टू गिव योर किड्स, स्पेशली फॉर देयर ग्रोथ ईयर्स। The review of this product is completely based on my experience, so please before using any product consult with your kid's pediatrist and then use it, otherwise you can use as per your choice, so it's completely on you. Here I have shared because I'm using it since long for my kiddo. So इसके बाद मैंने यहाँ पर अनार छील दिया है कल के लिए, कैश के स्कूल लंच के लिए। इट्स नाइट टाइम तो मैं रात को ही इस तरह की प्री प्रेप करके सोती हूँ, सो दैट मुझे सुबह के लिए टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता इन चीज़ों में। एंड हियर आई एम पैकिंग द बैग फॉर द किडो स्कूल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुक्स निकाल रही हूँ, जो भी मैम ने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे बुक सेट भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी बुक्स निकाल के उसका बैग सेट कर दूँगी। दिन भर के छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, बट अगर उनको हम प्लान्ड वे में करें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तो हम काफ़ी सारा अपना टाइम सेव कर लेते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, बाय दिस वे मैं बहुत सारे काम एक दिन में कर पाती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी बुक्स निकाल दी है कि आज की ना आऊँ गा ना पैक इन द बैग, सो इट्स फॉर द टुमोरो स्कूल। कैश की भी स्कूल हॉलीडेज चल रही थी, बट कल से उसका स्कूल का टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है, तो पहले से ही मैं बैग पैक करके रख रही हूँ। कैश अभी नानी हाउस है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक मैंने सोचा कि मैं उसका बैग वगैरह सेटल करके रख देती हूँ। तो हियर इट्स डन, एंड बैग स्टेशनरी ये सब मैंने रख दिया है सेटल करके। काम कोई भी हो, अगर हम उसकी प्री प्रिपरेशंस करके रखते हैं तो वो काम तो ईजी हो ही जाता है, हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। सो इट्स डन फॉर टुमोरो स्कूल। एंड ये आज का डिनर, जीरा राइस बने हैं और साथ में बने हैं करेले, ये स्टफ्ड करेले हैं, और इसके साथ साथ बने हैं नॉर्मल वाले करेले जो अनियंस के साथ बनते हैं, तो मैं यही लेने वाली हूँ। और इसके साथ है रोटी, सो मैंने अपना डिनर ले लिया, यहाँ पर एक रोटी ले ली है और करेले की सब्जी ले ली है। वो कम आप, हु इज़ हियर,
Nobody? Should I close the door? You came up? साइकिल यू टेस्टेड ना, इट्स ऑल वर्किंग फाइन। सारा दिन के काम के साथ सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ मैं अपने पैरों की सिकाई करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है वॉर्म वाटर, उसमें डाल दिया सॉल्ट। सो या इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग, आई होप यू लाइक दैट, विल सी यू नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।